देखिए क्या क्वेश्चन है रीजनिंग का। फोर फ्रेंड ए बी सी एंड डी नीड टू क्रॉस अ ब्रिज इन अ नाइट। अ मैक्सिमम ऑफ टू पीपल कैन क्रॉस एट अ टाइम। दे हैव ओनली वन लैंप। ए टेक वन मिनट टू क्रॉस द ब्रिज। ए को ब्रिज को क्रॉस करने में 1 मिनट लगते हैं। बी कैन टेक 2 मिनट। सी कैन टेक 8 मिनट एंड डी कैन टेक 11 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज रिस्पेक्टिवली। अ पेयर मस्ट वॉक टूगेदर एट द स्पीड ऑफ द पर्सन हु वॉक स्लोली। वॉट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ब्रिज बाय ऑल द फोर पीपल। यानी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक ब्रिज है जिस ब्रिज को आपको क्रॉस करना है। एक टॉर्च है आपके पास, उस टॉर्च की लाइट से आप ब्रिज क्रॉस करोगे। एट ए टाइम केवल 2 लोग ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं और सभी की स्पीड अलग अलग है। एक ही स्पीड है 1 मिनट पर में ब्रिज क्रॉस करता है, बी 2 मिनट में, सी 8 मिनट में और डी 11 मिनट में। अब इसमें एक चीज समझिएगा कि एट ए टाइम 2 लोग जाएंगे टॉर्च के उससे गए, क्योंकि टॉर्च इस एंड पे आ जाएगी तो जो 2 लोग गए उसमें से एक को रिटर्न होना पड़ेगा और फिर जाएंगे। तो अब आपको कम से कम टाइम में उस ब्रिज को अगर क्रॉस करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि इस ब्रिज को आपको जो क्रॉस करना है वेस्ट वे क्या होगा ये हमको समझना है। तो सपोज मैं ए और बी को पहले ले जाऊं, यानी ए प्लस बी यहां गए तो 2 मिनट में पहुंचे और 2 मिनट क्योंकि ए और बी के टाइमिंग 2 और 1 मिनट है ना, और 1 मिनट वाला ए मतलब वापस आ गया, बी को यहीं छोड़ दिया और वापस आ गया, यानी इस पूरे प्रोसेस में 3 मिनट लगे। अब क्योंकि यहां पे एक 2 मिनट वाला खड़ा है, अगर ए फिर से इनको लेके जाएगा 8 मिनट या 11 मिनट और फिर वापस आएगा तो टाइम लगेगा। तो क्या किया कि ए ने बोला सी और डी को कि आप दोनों चले जाओ, तो सी और डी यहां गए और 11 मिनट में यहां पहुंच गए क्योंकि डी की स्पीड 11 है, तो 11 + 13 ये हो गया 14 मिनट। अब ये दोनों क्योंकि टाइम ज्यादा ले रहे थे तो ए वापस आ गया, वो सॉरी बी वापस आ गया 2 मिनट में, यहाँ 2 मिनट में वापस आ गया और इसने ए को पकड़ा 1 मिनट वाले को और दोनों यहाँ वापस पहुंच गए 2 मिनट में। तो इस तरह से 2 मिनट आने में और 2 मिनट जाने में यानी ओवरऑल 4 मिनट यानी 18 मिनट में अगर प्रॉपरली प्लानिंग के साथ जाएं तो 18 मिनट मिनिमम टाइम लगेगा जिसमें कि चारों लोग इस एंड से उस एंड पे चले जाएंगे। फिर समझ लीजिएगा कि ए से बी के लिए यानी ए और बी जब जा रहे हैं तो ए और बी जाने में 2 मिनट लगे और वापस से आया 1 मिनट में यानी 3 मिनट लगे, यानी ए प्लस बी गया और ए वापस आया इसमें 3 मिनट। फिर सी और डी दोनों को एक साथ भेज दिया जिससे कि लगे 11 मिनट और अब ये वहीं पर रुक गए और यहां पर जो बी पहले से खड़ा था वो 2 मिनट में वापस आया 2 मिनट में और वापस दोनों चले गए 2 मिनट में, यानी 4 मिनट और लगे। तो इस तरह से इन ऑल 80 मिनट में टोटल पुल क्रॉस हो सकता था।